आज फिर पांचवी बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी की जांच में नहीं जुड़े और जांच से भाग गए। ये बहुत शर्मनाक रवैया है कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है कि केजरीवाल जी आकर जांच में जुड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस बार उन्होंने एक बहुत ही अजीब बहाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि समन अवैध है। केजरीवाल जी, अगर आपको लगता है कि समन अवैध है तो फिर आप देश की कचहरियों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? देश का कानून एक सामान्य व्यक्ति हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री, दोनों पर समानतः लागू होता है, और इसलिए ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तय करना कि समन लीगल है या इलीगल है, अवैध है या गैर कानूनी है। इसके लिए आपको जाकर कचहरी का दरवाजा खटखटाना चाहिए। केजरीवाल जी, आपको शोभा नहीं देता कि आप दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री होने के बावजूद जांच से भागने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने अपने चुनिंदा लेकर बैलेंस से लिए हैं। इस देश की विभिन्न कचहरियां, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट करते हुए कहा कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स के विरुद्ध। ऐसे में आपका जुड़ना जांच में अनिवार्य है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट मैंडेटरी करता है कि अगर किसी को समन किया जाए तो उस व्यक्ति को अनिवार्य होता है जांच में जुड़ना। मेरा आपसे निवेदन है कि जांच में जुड़िए और ऐसे भगोड़ों जैसा रवैया बंद करिए।